पहले मनमोहन सिंह जी की सारी गलती थी। अरे अरे वे शर्मो सत्ता के दलालो बोलते लो, 2014 से पहले सारी गलतियां देश के प्रधानमंत्री की थी। अब ये प्रधानमंत्री ऐसे बन गए कि इनकी कोई गलती ही नहीं है। कैसी बातें करते हो, इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, विश्व का त्रिलोकी फेकेश्वर, तीनों लोक में इतना बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक न पैदा लिया न पैदा लेगा। इतना बड़ा झूठा न कोई था न कोई है न कोई रहेगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। सरकार की है, प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, मन की बात। अरे भाई, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। तो मन की बात नहीं करिए, काम की बात कीजिए। 9 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, मन की बात अगर आप किए होते तो आज नाती पोता वाले होते, मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती में खेलते, मोर में तोता में क्यों खेलते। अब समझिए बात को, जो प्रधानमंत्री जी ये दावे के साथ कह रहे थे कि हिंदुस्तान में प्रतिदिन, बताइए क्या कह रहे हैं मोदी जी, एक नया आईआईटी बन रहा है, और इनके ही मंत्री ने प्रधानमंत्री की बेइज्जती की। प्रधानमंत्री जी ये तो बताओ कि 5 साल में एक भी आईआईटी आईआईएम नहीं बना। तो इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, विश्व का त्रिलोकी फेकेश्वर, तीनों लोक में इतना बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक न पैदा लिया न पैदा लेगा। इतना बड़ा झूठा, न कोई था न कोई है न कोई रहेगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। जो नरेंद्र मोदी जी डेली आईआईएम बनाने की बात कहते, आईआईटी बनाने की बात कहते, उनके ही मंत्री सुभाष सरकार ने साफ साफ लिखित में दिया है कि 5 साल में एक भी आईआईटी आईआईएम नहीं बना। अब बताइए, देशभक्त कोई नहीं है, किस हिसाब से? देशभक्ति की परिभाषा क्या है? सावरकर का सम्मान करना क्या देशभक्ति है? और जिस सावरकर के नाम पर अंडमान पोर्ट का नाम दिया गया, हवा के आंधिये में उड़ गया। अब बताइए, उज्जैन में देख लीजिए, महाकालेश्वर में इतना बड़ा घोटाला था कि हवा में 300 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से उतर गया। जो प्रधानमंत्री जी देश को बता रहे थे, वैज्ञानिक हैं, अद्भुत वैज्ञानिक हैं, नाला से कभी गैस बना लेते हैं, जब देश में इंटरनेट नहीं होता है तो वो ईमेल करते हैं, जब देश में कैमरा नहीं होता है तो वो फोटो खींच के कलर फोटो खींच लेते हैं, वो प्रधानमंत्री जो a² + b² में 2ab एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, अद्भुत वैज्ञानिक है। देखिए, अरे भाई सुन तो, नाला बह रहा था ना, दूर की सोचते सोचते नाला में पाइप लगाया, चूल्हे से जोड़ दिया, गरम चाय ऐसी चाय बेची, कोई बेकार ही कहता है कि शराब जिंदगियां बर्बाद करती है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद चाय ने पूरे देश की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा चाय वाला, पता नहीं चाय में अफीम मिला के बेचता क्या बेचता। अरे भाई सुन तो लो, केस करो ना नरेंद्र मोदी पर, करो ना। आज चाय वाले का मतलब लोग समझता है देश बेचने वाला, झूठ बोलने वाला। अरे भाई हम थोड़ा ना सोच रहे, जनता नहीं सोचती केवल आप, तो हम कहाँ हैं, हम जनता नहीं है। अरे भैया हमको जनता नहीं मानते हो, माने वही बात है, आप लोग टीवी में दिखाते क्या हो, पाकिस्तान में हिंदुओं को बल नहीं दिया जाता। अरे भैया देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जाता। मैं भी हिंदू हूँ, आप कोई किसी को अगर शक हो तो हमको पेंट खुलवा के चेक करवा लो, हमारा खतना नहीं हो रखा। हमको भी नहीं बोलने दिया जाता जंतर मंतर पर। क्या कहा जाता, पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जाता, पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिलता। अरे भैया आज 22 साल से हम दिल्ली में रह रहे, कभी आज तक नहीं देखा कि दिल्ली के किसी गलियों में बोलने के लिए पुलिस का पहरा लगा हो। ऐसा निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री जो डेली, अरे सुन तो ले, अरे हम कह रहे हैं, इसका अपना मंत्री कह रहा है, हम कह रहे हैं जाइए ना सुभाष सरकार पर केस कीजिए। लोकतंत्र के मंदिर में उसने कहा कि 5 साल में एक भी आईआईटी आईआईएम नहीं बना। अरे वाह, आप उस पर नहीं केस कीजिएगा क्योंकि आपका मंत्री है। आप कहिए ना, केस कीजिए ना रामदास अठावले पर, जिसने कहा कि म्यांमार से हथियार आते हैं। इनका विधायक कह रहा है कि मणिपुर के हिंसा के पीछे भाजपा नेताओं का हाथ है। आप केस कीजिए ना उस पर, आप केस कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे रामदास अठावले पर, जो आपके ही मंत्रालय में मंत्री हैं। अरे भाई और आप ऐसी मन की बात से जसोदा बेन नहीं खुश हैं, तो आप खुश हो गए? अरे भाई फिर पर्सनल, हमने तो आपको कुछ कहा नहीं, आपके पर्सनल गया, मैं तो बोला। अरे भाई वो भी देश की नागरिक है, महिला नागरिक है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। क्या वो जसोदा बेन भारत की नागरिक नहीं है, पाकिस्तान की नागरिकता है उनके पास, उनके पास भी देश की नागरिकता है, वो देश की बेटी है, देश की बहू है, अब तो पूरे भारत की बहू कहलाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की पत्नी भारत की बहू है, नहीं तो क्या है बताओ। अब उनको इंसाफ नहीं मिला, तकलीफ नहीं तो कौन बोला नहीं तकलीफ है। अरे उनको तो नरेंद्र मोदी जी की जब माँ मर गई,
नरेंद्र मोदी जी मुंडन तक नहीं कराए हिंदू रीति रिवाज से, अंतिम संस्कार का पालन नहीं किया, पर्सनल है आप सब कुछ पर्सनल है। मणिपुर के हिंसा पर नहीं बोल रहे तो उनका पर्सनल इशू है, वो नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, ये तो मतलब थोड़ा ना हुआ। विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है, क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? देखिए, देश में पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दलित समाज से आते हैं उनकी आवाज को बंद कर दिया गया, उनको नहीं बोलने दिया गया। मैंने आज भी ये सामंतवादी सोच के लोग हैं कि एक दलित सांसद को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, एक दलित आदमी को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, मूछें नहीं रखने दी जा रही है, घर से पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, कैसा है? मोदी जी की क्या गलती? आप पहले मनमोहन सिंह जी की सारी गलती थी। अरे अरे शर्मो सत्ता के दलालो, बोल तो लो। 2014 से पहले सारी गलतियां देश के प्रधानमंत्री की थी, अब ये प्रधानमंत्री ऐसे बन गए कि इनकी कोई गलती ही नहीं है। कैसी बातें करते हो? देखो, अगर सबका साथ सबका विकास होता तो एक बात बताइए, देश में एक भी ऐसा कार्य बताइए जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी प्रांत के लोगों का समान रूप से अधिकार हो, आप बता दीजिए। फिर क्यों कहते हैं आप? एक तरफ तो मन की बात में कहते हैं महिलाएं बगैर पुरुष के हज करने चली गई। अरे भैया, गर्व होना चाहिए प्रधानमंत्री, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। वही भाजपा की सरकार हरियाणा में मौलानाओं को अगर धर्म तनख्वाह देती है तो वो तुष्टिकरण नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार अगर दिल्ली में मौलानाओं को अगर मानदेय भत्ता देगी तो वो तुष्टिकरण है। अरे भैया, क्या तुष्टि है, क्या संतुष्टि है आपका? मैंने आपने जो किया वो संतुष्टि है और दुनिया ने जो किया वो तुष्टि है। आप अजीत पवार को अपने पार्टी में ले आएंगे, आपका संतुष्टिकरण है कि देश लूटने वाले जिनकी जगह जेल में होना चाहिए वो मोदी जी के साथ गलबहियां करे, ठीक है। जिसके हार रहे भाई सुनो ना, अब नया नारा मोदी जी ने दिया है, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा वो है या तो बलात्कारी या तो गुंडा। सारे गुंडा मवाली, सारे बलात्कारी, सारे देश को लूटने वाले सदस्य उनका अपमान कर रहे हैं। माफी मांगे, आप कैमरे पे ऐसी बात बोल रहे हैं? हमारे शरीर में कोई सावरकर का खून है? ये तो खून भाजपा आरएसएस के नेताओं के शरीर में है। हमारे शरीर में सुभाष चंद्र बोस का खून है, खुदीराम बोस का खून है। अरे सुनिए ना, हमारे पुरखे उसी समय बता गए थे कि आरएसएस देश के लिए खतरा है। ये तो आप लोगों की गलती है कि आप लोग उस पर बात नहीं माने। अगर आपने सरदार पटेल की बात मानी होती, भगत सिंह जी की बात मानी होती, अशफाक उल्लाह खां की बात मानी होती, सुभाष चंद्र बोस की बात मानी होती, अगर आप लोगों ने भाजपा पर भरोसा नहीं किया होता, आरएसएस पर भरोसा नहीं किया होता, तो आज देश के साथ इतना बड़ा धोखा तो नहीं होता। तो इसीलिए कह रहे कि ये जो चुनाव है ये मौका है, देश बचा लो मौका है। मणिपुर में गए हैं तो बीजेपी कह रहे कि वो लोग राजनीति करने के लिए गए हैं, तो आप क्यों नहीं जाते? किसने आपको रोका है? खाली आप इंटरव्यू कीजिएगा, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं? और अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, अमिताभ बच्चन के दांत में हरे रंग के रेसे फंसे हैं, अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पोटी की, यही दिखाइएगा? कह रहे आप दिखाइए ना भाई, मणिपुर में उस महिला के साथ दरिंदगी हुई जिसके पति ने देश की हिफाजत की, आप उस पर नहीं बोलते हैं? लेकिन आपने नहीं देखा, हस्तिनापुर हो या मणिपुर, देश महिलाओं के चीरहरण पर शर्मिंदा है और आपको भी शर्मिंदा होना चाहिए। अगर आपको शर्म नहीं आ रही, आपको लोक लज्जा नहीं है, तो आप इंसान नहीं जानवर हैं। आप जैसे पत्रकारों की देश में जरूरत नहीं है। आप सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल पूछिए, आप देश में रहते हैं, देश में तमाम भाजपा के विधायक सांसद लगभग यहाँ आते जाते रहते हैं और सांसद और मंत्रियों का तो जमावड़ा है। आप सवाल पूछिए, आप सवाल नहीं पूछते क्यों? ऐसी क्या व्यवस्था है? बदनाम कर रहे हैं, उनके अच्छे काम नहीं दिखते आपको? देखिए, हमने तो नहीं कहा लोकसभा में, हम तो संसद सदस्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी घर में झूठ बोलते थे, घर से गुजरात में झूठ बोलते रहे, देश भर में झूठ बोलते रहे, लाल किला के प्राचीर से झूठ बोलते रहे, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन उनके ही मंत्री सुभाष सरकार ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, एक भी 5 साल में ना IIT बना ना IIM बना, तो हमको क्या सजा दीजिएगा? दे दीजिए फांसी सुभाष सरकार को, आपने बनाया ही ऐसे आदमी को मंत्री। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम आरोप नहीं लगा रहे। आपके ही मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री कमजोर है, गृह मंत्री कमजोर है, तमाशाबीन है, तमाशा दिखाता है, म्यांमार से हथियार आ रहे हैं मणिपुर में। मैंने नहीं कहा, ट्वीट किया है रामदास अठावले ने, कीजिए कार्रवाई आप उन पर। आप जब कहेंगे, आप बोलते नहीं, आखिर इंडिया की बुराई करते हैं। हम मोदी जी गुणगान कर रहे थे, पूछ रहा हूँ राहुल गांधी पर। मोदी जी क्या कर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में जाकर, कैलिफोर्निया में जाकर, जर्मनी में जाकर, आप बताइए ना किन किन देशों में जाकर वो अपना बदनसीबी का रोना रो रहे हैं?
अरे आप जैसे बदनसीब प्रधानमंत्री होने के कारण ही देश की इतनी व्यवस्था गर्त में चली गई, आप उस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं। यह आपकी खुशनसीबी है कि आप भारत में जन्म लिए और आपको देश ने प्रधानमंत्री चुना, आप उसको बदनसीबी कह रहे हैं। धिक्कार है आपकी जिंदगी पर, लानत है आपकी जिंदगी पर। आप जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। जिस देश में आपने आपको मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का पद से सुशोभित किया, आप उस देश की गरिमा को कैलिफोर्निया में जाकर, जर्मनी में जाकर, विदेशों की धरती पर बदनाम कर रहे हैं।